हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐड इवेंट लिसनर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम इवेंट लगाते थे तो हम HTML फाइल के अंदर जाते थे और हमें जहाँ पर भी जिस भी टैग में इवेंट लगाना होता था, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, तो उस इवेंट को लगाते थे कुछ इस तरीके से, ऑन क्लिक, और उसके अंदर हम फंक्शन का नेम लिखते थे कुछ इस तरीके से, और फिर उस फंक्शन को डिफाइन करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट अब ऐड इवेंट लिसनर की मदद से हमें जावास्क्रिप्ट में ही दोनों ही काम हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। हम इवेंट को जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट में ही फंक्शन को डिफाइन करेंगे। प्रीवियस वी राइट इवेंट इन HTML, हम इवेंट लिखते थे HTML और अप्लाई करते थे उसको जावास्क्रिप्ट फाइल में। सो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम, तो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था ये फाइल से उधर फाइल। सो यूजिंग एड इवेंट लिसनर वी गिव इवेंट एंड फंक्शन इन वन फाइल। तो एड इवेंट लिसनर की मदद से हम फंक्शन का नेम भी और जो इवेंट है वो हम दोनों ही जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एड इवेंट लिसनर को लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले रहे हैं और हम टारगेट कर रहे हैं बेसिकली इसको। देखिए, हमारे पास आईडी है बटन के अंदर BTN, इसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर btn डॉट, आपको लिखना है ऐड इवेंट लिसनर, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो देखिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी है बटन के अंदर, उस आईडी को टारगेट कर रहे और उसके अंदर हमने ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया। मतलब हमने बटन के अंदर ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया। अब आपको पैरेंथेसिस देना है और ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट कि आपको कौन सा इवेंट लगाना है, आपको कौन सा इवेंट लगाना है पहला, और ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम इवेंट लगाते थे HTML में के अंदर, तो हम लिखते थे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, लेकिन ऐड इवेंट लिस्नर में आपको डायरेक्ट इवेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लिक इवेंट लगाना है तो आप क्लिक लिखे, आपको डबल क्लिक लगाना है तो आप डबल क्लिक लिखे, आपको ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक इवेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो हमको सिंपल क्लिक लिखना है, क्लिक। देन जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास, वो आएगा फंक्शन का नेम। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं फंक्शन का नेम माय फन, कुछ इस तरीके से मैंने फंक्शन का नेम दे दिया। पैरेंथेसिस नहीं लगाना है हमको, मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसी के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन, सबसे पहले हम इस फंक्शन को बना लेंगे फंक्शन, और लिखेंगे हम माई फन, कुछ इस तरीके से हमने फंक्शन बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी के अंदर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया क्लिक नाम से। तो जैसे ही इस बटन पर मैं करूँ क्लिक, तो माई फंक्शन, ये जो माई फन है, ये फंक्शन चलेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं बटन पर करूँ क्लिक, तो जो हमारा पूरा ब्राउज़र है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट bgc। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी है और बॉडी डॉट स्टाइल लिख रहे हैं, तो स्टाइल से हमारे साथ पास क्या आता है, पूरी css की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में असाइन कर रहे हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन हम असाइन कर रहे हैं। आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शन किस तरीके से चल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हमने बटन को टारगेट किया और उस बटन पर हमने ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया। ये ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, कौन सा इवेंट लगाया हमने उस पर, क्लिक इवेंट लगाया, और ये हमने माई फन एक फंक्शन बनाया, उसको हम यहाँ, उस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और इसमें हमको ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप कोई भी इवेंट लगाए डायरेक्ट आपको लिखना है, आपको लिखना है माउस होवर, ऑन नहीं लगाना है, क्लिक लिखना है, डबल क्लिक लिखना है। तो जैसे ही मैं इस बटन पर करूँगा क्लिक, तो ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन चलेगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी है उस बॉडी के बैकग्राउंड कलर पूरा कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एस सेव, सेव करूँगा मैं, और आप देख सकते हो ब्राउज़र पर हमारे पास ये बटन है, और इस बटन पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हमारा पूरा ब्राउज़र का जो बॉडी है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया ऐड इवेंट लिसनर का। आपको पता होगा कि हम पिछले जो इवेंट का यूज़ करते थे, हम HTML के अंदर यहाँ पर इवेंट लिखते थे कुछ इस तरीके से, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, इस तरीके से।
और फिर हम उसमें फंक्शन का नेम देते थे, फिर डिफाइन करते थे, तो बहुत सारा हमारा टाइम कंज्यूम होता था और हमें एक फाइल में इवेंट लिखना, एक फाइल में फंक्शन डिफाइन करना होता था, तो इससे हमारा बहुत कन्फ्यूज़न भी होता था। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी आपको टैग के अंदर इवेंट लगाना है तो आपको उस टैग को टारगेट करना है आईडी से, क्लास से या फिर टैग नेम से। उसके अंदर आपको एड इवेंट लिसनर लगा देना है। दो पैरामीटर होते हैं, पहला कि आपको कौन सा इवेंट लगाना है, दूसरा कि आपको फंक्शन। और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। आप उस फंक्शन को यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको कमेंट करके, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, बेसिकली इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। देखिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पर फंक्शन को हम सिर्फ नाम लिखा है, हम डिफाइन नीचे कर रहे हैं। हम यहाँ पर फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन कुछ इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन का नेम दे देते हैं हम, फंक नेम दे देता हूँ मैं फंक्शन का, और ये फंक्शन है ना। तो देखिए जैसे हम क्लिक करें बटन पर तो क्लिक इवेंट चले और ये एक फंक्शन चलेगा फंक नाम का। और अब हम ये चाहते हैं कि जो कलर है H1 के बैकग्राउंड में कलर आ जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें हम डायरेक्ट H1 टैग देंगे। H1 डॉट स्टाइल डॉट BGC, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से H1 को टारगेट कर रहे हैं, और H1 के अंदर हम स्टाइल डॉट की वजह से H1 के बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डाल देंगे रेड। कौन सा कलर डाल देंगे हम, रेड, इस तरीके से। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो फंक्शन चलेगा, और फंक्शन H1 है तो H1 के बैकग्राउंड कलर में एक रेड कलर असाइन हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव किया हमने, देखिए हम यहाँ गए। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये जो H1 है हमारा, जिस पे लिखा है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसके बैकग्राउंड कलर में रेड कलर आ गया। और ये हमने जो एड इवेंट लिसनर का यूज़ किया है, ये दूसरी मेथड है। हमने क्या किया यहाँ पर, मैं आपको इसको बड़ा करके बता दूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन यहीं पर डिफाइन किया। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर फंक्शन का नेम लिख रहे थे और फंक्शन को यहाँ उसके नीचे डिफाइन कर रहे थे। हमने क्या किया, फंक्शन को वहीं पर डिफाइन कर दिया, है ना। तो ये था यार एड इवेंट लिसनर। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पर इनर HTML में कुछ असाइन करना चाहते हैं, डॉट इनर HTML में हम कुछ असाइन करना चाहते कि हम लिख रहे हैं कि वी लर्न एड इवेंट लिसनर। हमने क्या सीखा, एड इवेंट लिसनर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो H1 में भी मेरे पास आ जाएगा कि वी लर्न एड इवेंट लिसनर। तो सेव करता हूँ मैं और चलते हैं हम ब्राउज़र पर। तो देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गया वी लर्न एड इवेंट लिसनर। तो आप एड इवेंट लिसनर्स की मदद से सभी काम कर सकते हैं जो हम इवेंट की मदद से कर सकते थे, बस लिखने का तरीका अलग है और हमें बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। तो आई होप यार आप लोगों को एड इवेंट लिसनर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।